तत्काल न्यूज़ लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज़ लाइव। महाराष्ट्र के बीड जिले में एक युवती पर उसी के प्रेमी ने एसिड फेंका और उसे जलाने की कोशिश की। शर्मसार करने वाली बात तो यह है कि आधी जली हुई हालत में युवती 12 घंटे तक तड़पती रही। वहां के कुछ लोगों ने देखा तो उसे अस्पताल ले जाया गया। इस पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ट्वीट कर कहा वो खुद इस मामले को देख रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा ये वारदात इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। आरोपी ने एसिड और पेट्रोल से जानलेवा हमला किया था, उसमें वो इंजर्ड हो गई थी। सिविल हॉस्पिटल में उसके ऊपर उपचार चालू था। उपचार चालू होते समय सुबह उसका देहांत हो गया। उसके बारे में नेकनूर पुलिस थाने में एक गुना दाखिल किया है। देहांत होने के बाद उसको 302 कलम लगाया है। राज्य में महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। इस पर राज्य सरकार को तुरंत कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। दोनों ही नांदेड़ के रहने वाले हैं और वो 2 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। युवक ने 13 नवंबर को युवती को बाहर घूमने ले जाने के बहाने नांदेड़ के पास बीड़ में एक सुनसान जगह पर ले गया। सुबह 3 बजे के करीब युवक ने युवती पर तेजाब फेंका और उसे जलाने की कोशिश की और युवक वहां से फरार हो गया। युवती वहां पर 12 घंटों तक तड़पती रही पर कोई देखने वाला नहीं था। जब लोगों ने देखा तो उसे अस्पताल ले जाया गया और वहां पे उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने नांदेड़ से आरोपी अविनाश राजूरे को गिरफ्तार कर लिया है।